क्या आप भी सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करें। सीएससी में वीएलई रजिस्ट्रेशन के टाइम टीईसी नंबर जरूरी है। टीईसी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है? तो पहला स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप याद रखें कि स्टूडेंट फोटो साइज मैक्सिमम 50 KB, टाइप होना चाहिए JPG या PNG। डिटेल्स आप जो भी फिलअप करेंगे आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे CSC, ठीक है फ्रेंड्स, CSC टाइप करेंगे। तो देखिए ये मेरा पहले से टाइप है, तो यहाँ पे देखेंगे csc.government.in। इस तरीके से ये हमको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद में ये एक CSC जो है कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ देखिए CSC नेटवर्क साइट में CSC रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ बात कि हम CSC रजिस्ट्रेशन पे क्यों जा रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स जगह कि हम TEC क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ जाना जरूरी है। यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई का ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो TEC सर्टिफिकेट डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे वही चीज़ हम बता रहे थे कि TEC का सर्टिफिकेट किस लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमको ज़रूरत पड़ता है, बिना TEC सर्टिफिकेट का VLE हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट नंबर हमको देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये TEC सर्टिफिकेट नंबर और कहाँ से हमको ये चीज़ मिलेगा, तो इस TEC सर्टिफिकेट को लेने के लिए ये देखिए ये जो ब्लू पेज है, ये ब्लू पेज में यहाँ पे देखिए पूरा TEC के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे TEC के बारे में सारी डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लिक हेयर का यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर जहाँ लिखा हो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से TEC का जो मेन पेज है, ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे TEC का मेन पेज ओपन होने के बाद हम यहाँ पे देखिए ये जो है टेली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स TEC का फुल फॉर्म है, ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है लॉग इन विथ अस, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे लॉग इन विथ अस में क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से एक पेज, नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा TEC के अंदर में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है, सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप CCE, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे जाएंगे ये वाला ऑप्शन में, यहाँ पे अगर आपके पास यूजर आईडी या पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले वाला जो ऑप्शन है वो CSC कनेक्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रजिस्टर वाला फर्स्ट, अगर न्यू आप कैंडिडेट है तो यहाँ पे रजिस्टर वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपका पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखिए कुछ ओपन यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे है काइंडली इंटर द डिटेल्स केयरफुली एज पर योर फोटो आईडी प्रूफ, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ करेक्शन वंस यू सबमिट द डिटेल्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम आप आईडी प्रूफ में जो नाम है वो दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स मदर्स स्पाउस नेम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपलोड स्टूडेंट फोटो। तो यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, लेकिन उसके नीचे देखिए वो जो है मैक्सिमम साइज 50 KB है, JPG या PNG फोल। उसके बाद यहाँ आप कैप्चा टाइप करेंगे, कैप्चा देने के बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो है वो बैंक का जो है डिटेल्स ओपन हो जाएगा, और उस बैंक का डिटेल्स आप क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे ही आपका बैंक का जो पेज ओपन होगा तो उस बैंक का पेज के जरिए आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। वो आप पेमेंट आप उससे किस
किस सूरत में करेंगे वो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर पेटीएम के जरिए पेमेंट करना है तो आप वहाँ से पेमेंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ से आप पेमेंट करेंगे, वहाँ से पेमेंट का ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा वहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूज़र आईडी आपका न्यू वो TEC क्या करके वहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा, लेकिन आपका पासवर्ड जो है वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वहाँ पे। इस तरीके से आपका देखिए ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, लॉगिन पेज जो है वो लॉगिन पेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब लॉगिन पेज आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दीजिएगा और पासवर्ड देना आपको। यूज़र नेम में जैसा हम बताए थे आपको, यूज़र नेम में जो आपको वहाँ से मिला है वही यूज़र नेम आपको यूज़ करना है। तो यहाँ हम अपना यूज़र आईडी जो है वो हम यहाँ सबमिट कर दे रहे हैं। यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड, पासवर्ड में आपका अपना मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है वो आप देंगे। देने के बाद यहाँ सिंपल आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपका ये देखिए, ये आपका डैशबोर्ड। आप TEC के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है TEC का पेज ओपन होगा, और TEC का पेज ओपन होने के बाद में देख सकते हैं इस तरफ ये तीन ऑप्शंस शो कर रहा है यहाँ पे। पहला में आप देखेंगे जो कि डैशबोर्ड शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका सारा डिटेल्स है। सेकंड जो है ये आपका लर्निंग का ऑप्शन है, और थर्ड जो है ये आपका असेसमेंट्स ये ऑप्शन है। तो ये तो पहला रजिस्ट्रेशन आपका TEC रजिस्ट्रेशन एक स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप जो है वो आपका 10 मॉड्यूल्स एग्जाम है, वो आपको इसी पे ही आप ये जो देख रहे हैं असेसमेंट्स इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए माई असेसमेंट्स ओपन हो चुका है। इसमें ये देखिए पहला सीरियल नंबर, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फोर्थ मार्क्स ऑब्टेन एंड फिफ्थ एग्जाम स्टेटस, ये इस तरीके से है। तो सीरियल नंबर 1 में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ये हमारा सीरियल नंबर 1 है, ये आपका पहला जो है ये मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर, थर्ड है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, फिफ्थ है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, सिक्स आपका जो है वो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेवेंथ में है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, एट में है अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, नाइन में है मार्केटिंग एजुकेशन, हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न, और आपका 10 में है मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू। कि आपका 10 मॉड्यूल है जिससे सवाल का जवाब आपको, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, और हर मॉड्यूल से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको वहां पे देना है। तो इस तरीके से हर मॉड्यूल से 10 मतलब 10 यहाँ 100 मार्क्स का पहला एग्जाम आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप 10 पहला मॉड्यूल का एग्जाम देंगे ये, तो यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन संग संग आपको यहाँ पे शो कर देता है कि आप कितने सवाल का जवाब आप हासिल किए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा है 10 में से 6 एग्जाम स्टेटस, यहाँ पे जब हम रखेंगे थोड़ा देर तो ये पास दिखाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो लोगो यहाँ पे आप बना हुआ देख रहे हैं, ये लोगो सिर्फ पहला ऑप्शन में ये इस तरीके से रहता है, बाकी जो जितना भी ये लोगो यहाँ पे देखिएगा ये आपका लॉक रहेगा। तो क्या होगा कि आप जब यहाँ पे आप इसको क्लियर कीजिएगा, जब आप पहले वाले को यहाँ पे क्लियर करेंगे तो सेकंड वाले ओपन, सेकंड यहाँ पे ये जो है ये ओपन होगा,
उसके बाद में ये ओपन होगा, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, मतलब एक एक लॉक जो है वो ओपन होते चले जाएगा और आपका स्टेटस भी वहाँ का शो करेगा कि आप एग्ज़ाम सही से दे चुके हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। जब आप TEC का फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम टोटल 50 क्वेश्चंस का होगा। TEC फाइनल एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल चॉइस का होता है। TEC फाइनल एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स हासिल करने होते हैं। आप जब TEC सर्टिफिकेट के लिए फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो वो फाइनल एग्ज़ाम का टाइमिंग 10 से लेकर के सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे है। आप जब TEC का एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाता है और आपको वेबकैम के ज़रिए ही, आपको वेबकैम के सामने ही बैठ करके वो एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप TEC का एग्ज़ाम देंगे तो आप कोशिश करेंगे कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 4GB रैम के साथ हो। आप जब TEC एग्ज़ाम देंगे तो कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सिस्टम है उसमें वेबकैम ज़रूर हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या एक्सटर्नल हो। एग्ज़ाम देते वक्त आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो 1 Mbps स्पीड होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो आप कोशिश करें किसी ऐसे रूम में बैठने के लिए जहां पे क्वालिटी जो है वो अच्छे क्वालिटी हो, डार्क ना हो रूम, और वहां पे कोई भी शोर शराबा ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बनेस ना हो। अगर आपको किसी भी तरीके से TEC या CCE में आपको कोई भी क्वारीज है तो उसके लिए आप TEC.support@cscacademy.org पे आप इन्फो उसके लिए क्वारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ TEC और CCE के लिए। CSC रजिस्ट्रेशन नॉर्मल हम लोग जो मेन पेज पे जाते हैं CSC का, उस मेन पेज पे जाना है। उस मेन पेज पे जाने के बाद में अप्लाई वाला ऑप्शन में जाने के बाद देखिए सबसे लास्ट में TEC सर्टिफिकेट है, अप्लाई में सबसे लास्ट क्लिक करने के बाद TEC सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग का क्या होगा, ये TEC जो है TEC का पेज वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से लॉग इन विथ अस जैसा हम लोग करते हैं, उस तरीके से लॉग इन विथ अस करने के बाद यहाँ पे हम लोग लॉग इन करेंगे TEC में। हम लोग का जो आपका ID पासवर्ड जो है उसी के थ्रू यहाँ पे हम लोग लॉग इन करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे देना है। उसको देने के बाद आप सिंपल जैसा लॉग इन होते हैं उस तरीके से यहाँ पे हम लॉग इन हो जाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग लॉग इन हो चुके हैं। लॉग इन होने के बाद में ये इस तरीके से मेरा जो पेज है वो आपका डैशबोर्ड जो है वो आपका ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड ये एरिया जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा तो जो आपका सर्टिफिकेट है यहीं पे आ जाएगा वो चीज़। अभी ये चीज़ है, ये एग्ज़ाम के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, अगर पास हो जाइएगा तो ये वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे असेसमेंट में जाएंगे। ये हमारा असेसमेंट है, ये पहला मॉड्यूल जो हम लोग पास कर चुके हैं, पहला 10 मॉड्यूल, ठीक है। और उसका ये एग्ज़ाम का स्टेटस है। ये स्टेटस के बाद यहाँ पे देखिए, ये टेक एग्ज़ाम, इस पे हम लोग को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्लीज चूज योर लैंग्वेज बिलो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है। यहाँ पे देखें, यहाँ बताया गया योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर देंगे। और जैसे यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पे ये एक, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो है ये पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉग मांग रहा है, ये यूज़ योर माइक्रोफोन, तो देखिए यहाँ पे यूज़ योर माइक्रोफोन CSC exams.in wants to use your microphone, इसको हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये step 1, step 2, step 3, प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड द CSC ब्राउजर CSCEB फाइल।
उसके बाद इस तरीके से स्टेप टू है, सी एस सी फाइल विल बी डाउनलोडेड इन फोल्डर डाउनलोड। यहाँ से सेकेंड स्टेप जो है इंस्टॉलेशन द सी एस सी, स्टेप रिक्वायर टू इंस्टॉल द सी एस सी ऑन योर कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट सक्सेसफुल प्रोसीडर टू स्टॉप 3। मतलब इस तरीके से आपको बताया आपका पहला इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल होने के बाद स्टेप 3 स्टार्ट टेस्ट, जब आपका इंस्टॉल हो चुका होगा तो आपको स्टार्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फाइल जो है वो मेरा कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब सारा चीज़ ये तीनों स्टेप कर लेने के बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट की टेस्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मेरा जो फाइल है वो कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए, ये एक फाइल csceb.msi, ये टोटल 61.5 MB का फाइल ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाउनलोड होने के बाद में हमको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल कर लेने के बाद स्टेप सारा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, जब हो दिखा देगा इंस्टॉल सक्सेसफुल, तब उसके बाद में हम एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मेरा यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है। अब इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको सिंपल रन कर देंगे। सिंपल जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए लीजिएगा, स्टेप मांग रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डर आपको पूछ रहा है कि ये आपको कौन सा फोल्डर में ये फाइल आपको रखना है, तो वो फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी इसको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं ब्राउज के जरिए। फिलहाल मेरा ये सी प्रोग्राम में हम इसको रखेंगे। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछ रहा है कि पब्लिक के लिए एवरीवन या फिर आपके लिए, तो हम एवरीवन कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इस तरीके से नेक्स्ट करते हुए आप चली जाइएगा। जब नेक्स्ट किया तो यहाँ पे वेट करने बोल रहा है थोड़ा देर, तो यहाँ पे वेट करेंगे हम। तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, देखिए ऊपर लिखा इंस्टॉलिंग csceb, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कुछ देर वेट और करना पड़ेगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से जो मेरा पेज लॉगिन है ये देखिए, ये तीनों स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमको थर्ड स्टेप में जाना है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा थर्ड स्टेप है। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ओपन सेफ एग्जाम, यहाँ पे ओपन सेफ एग्जाम आपको कर देना है, और नीचे में इंफॉर्मेशन दे दिया, इट सीम्स सीएससी सेफ एग्जाम ब्राउज इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, प्लीज फॉलो स्टेप 1। वो आपका रहता है, मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका, हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद में ये आपका पूरा हर एक चीज आपका पूरा ब्लैंक कर देता है। अब यहाँ पे आप बैक भी नहीं आ सकते हैं कुछ, मतलब आपका कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप यहाँ से एग्जिट भी नहीं कर सकते। बाद में यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे है क्लिक योर इमेज, आप अपने फेस को सही तरीके से वहाँ रखिए, आपका जो कैमरा है उस कैमरे में आप अपने फेस को सही से रखिए। सही से रखने के बाद में आप क्या कीजिएगा, क्लिक योर इमेज का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे देखिए एक ब्लैंक योर इमेज जो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे योर इमेज और ब्लैंक दिया है, तो आपका फोटो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका पोस्ट फोटो वहाँ पे चले गया। अब आपका फोटो सही है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू होने के बाद में यहाँ अब आपका आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, तो आप जो पहले आईडी कार्ड दिए थे वो आईडी कार्ड को देखिए इस तरीके से पूरा कैमरा में रखना है कि आपका आईडी कार्ड सही से वो वेरीफाई हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैमरा के सामने आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के क्लिक योर आईडी कार्ड इमेज, उसको
क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो आपका फोटो आईडी कार्ड का हो चुका है। आप उसको भी अगर सही आया हुआ फोटो तो वहां पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपका जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल प्लीज वेट ये मैसेज आ जाता है और उसके साथ में ही नीचे में ये बता दिया जाता है कि आपका नंबर कितना है। मतलब यहाँ जैसे मेरा नंबर बता दिया गया है कि मेरा कितना नंबर वेटिंग लिस्ट में है और कितना वक्त लगेगा, उसी तरीके से आपका वहाँ पे नंबर शो कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा, कुछ देर वेट कीजिएगा, एक घंटा हो सकता है, डेढ़ घंटा हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी, 10 से 5 बजे का टाइमिंग है तो जितना जल्दी कीजिएगा आपका वेटिंग लिस्ट उतना ही कम आएगा। आप किसी का 400 है, किसी का 500 है, तो डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, तो अकॉर्डिंग टू वेटिंग लिस्ट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से चालू करके छोड़ देना है, वो आपका जिस तरीके से आप वेटिंग लिस्ट ख़त्म होता जाएगा, अप्रूव होता जाएगा आपका, तो वो घटता चले जाएगा, आपके यहाँ शो करेगा नंबर, जब घटेगा तो आपका नंबर यहाँ पे शो करेगा और जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है तो ये देखिए फोटो और आईडी दोनों आपका ग्रीन सिग्नल में आपको अप्रूव कर दिया जाता है और आप एग्जाम के लिए इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद में अब हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया, जैसे ऊपर में देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जैसे ये बताया गया टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे टिक कर देना है, आपको एग्री कर लेना है यहाँ पे टिक करके। टिक करने के बाद में ये देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है, नेविगेशन टूल्स है, प्रैक्टिस टेस्ट है, तो आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं। यहाँ टेस्ट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि CCE, ठीक है फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइमिंग, मार्क, और आपका गलत जवाब देने पे कुछ मार्क्स कटता है कि नहीं, वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। वो देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर दीजिएगा। जब आप स्टार्ट टेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। कुछ देर वेट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पैनल आपका आ चुका है, ये साइड में देख रहे हैं, ये साइड में टोटल 50 क्वेश्चन आपका होते चले जाएगा कंप्लीट, तो वो आपका क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना, देखिए मल्टीपल चॉइस, ये मल्टीपल चॉइस है, ये आपको ऑप्शन दिया जाता है उसमें से आपको चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद एक कोई भी आंसर को चॉइस कर लेना है। अब देखिए अगर आप फेस अगर आपका कैमरा के सामने सही नहीं आने से ये मैसेज बार बार आता है जो अभी आया था रेड कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना फेस को हमेशा कैमरे के सामने में रखना आपको। तो इस तरीके से आप एक का क्वेश्चन में, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन रेगुलर नहीं आता, हमेशा हर क्वेश्चन चेंज रहता है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ करके उसको जवाब देना है। जवाब देने के बाद में नीचे में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उसको नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट करते हुए चले जाइएगा। जब नेक्स्ट करते हुए अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर रिस्पॉन्स है उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर देना है, नहीं तो अगर आप उस सवाल का जवाब जानते हैं तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। और अगर पीछे में अगर आपको लगता है कि पीछे वाला जवाब सही नहीं है तो प्रीवियस से भी उसको जा सकते हैं। और इस तरीके से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने के बाद में यहाँ देखिएगा अभी थोड़ा देर बाद ये जो हमारा राइट लेफ्ट साइड में जो टोटल 50 नंबर है 1, 2, 3, 4, तो आप जब आंसर देते हैं तो वो ग्रीन होता चले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जैसे आपका यहाँ पे ये देखिए यह आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ये एंड टेस्ट, तो एंड टेस्ट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। जब आप एंड टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, आपको यस सबमिट इट, सबमिट इट कर देने के बाद में इस तरीके से ये अब यहाँ पे देखिए सब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता है कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर सिक्योरिटी रीजंस प्लीज एग्जिट योर ब्राउजर। तो आपको क्या करना है फिर से इसको आप अपने ब्राउजर से एग्जिट होने के बाद फिर से आप अपने TEC सर्टिफिकेट जैसा आप लॉगिन हुए थे उसी तरीके से लॉगिन होना है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे वहाँ पे मेरा डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है।
अब हम ये मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो है सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक था एग्ज़ाम से पहले, लेकिन जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने जब हम पास हो गए तो ये मेरा पास सर्टिफिकेट जो है वो TEC का वो हमको यहाँ पे मिल गया। ये देखिए ये सर्टिफिकेट आपका है, रेफरेंस नंबर आपका दिया हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये मेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस तरीके से आप लोग भी आप अपना सर्टिफिकेट आप सबसे पहले एक अपना करंट फ़ोटो लेंगे जो 20 KB का होना चाहिए। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड अपने पास में रखेंगे, जिससे देख करके आप अपना पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करेंगे। आप अपना पासबुक भी आप अपने पास रखेंगे, जिसे देख करके उसका डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करेंगे। एक कैंसिल चेक लेंगे जिसका साइज 10 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। KYC के लिए आधार कार्ड लेंगे जिसका साइज भी 10 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर CSC रजिस्ट्रेशन करना है तो CSC टाइप करने के बाद गूगल में, ये जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे आना है csc.government.in, और वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो CSC रजिस्ट्रेशन, ये देखिए मॉस CSC रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जब आप CSC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अप्लाई में जाना है। अप्लाई में जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ CSC वैली, यहाँ पे CSC वैली सेलेक्ट करने के बाद जो आपको TEC सर्टिफिकेट नंबर मिल चुका है, इससे पहले जो पिछला वीडियो में हमने दिखाया कि TEC सर्टिफिकेट किस तरीके से लेंगे, तो वो TEC सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद जो आपका मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दे चुके हैं, वही मोबाइल नंबर, यहाँ कोई नया मोबाइल नंबर नहीं देना है, बल्कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आप TEC सर्टिफिकेट लिए थे वो मोबाइल देना है। और वो मोबाइल देने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा को फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो डिटेल्स आप दिए थे, ईमेल आईडी वगैरह, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आधार का देखिएगा VID नंबर मांग रहा है, तो वो आपके पास अवेलेबल है तो वो देखिएगा। आधार कार्ड का नीचे में दिया हुआ रहता है आधार नंबर, उसके नीचे में छोटा छोटा दिया हुआ रहता है, अगर वो नहीं है तो यहाँ डोंट हैव VID वहाँ से कर लिया तो मेरे पास में है, तो हम उसको यहाँ से डायरेक्ट इंटर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं होने के बाद डोंट हैव में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो चीज़। और वहाँ आने के बाद में आपका जो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेने के बाद आप रूरल अर्बन जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन किस हिसाब से चाहिए, OTP, FMR, IIR, तो हम यहाँ OTP कर देते हैं। OTP करने के बाद कैप्चा देना है, कैप्चा करने के बाद यहाँ पे टिक कीजिएगा, टिक करने के बाद वहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ भी टिक करना है, टिक करने के बाद OTP आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका बोथ SMS और ईमेल दोनों अगर है तो दोनों को टिक, सिर्फ मोबाइल नंबर ऐड है तो सिर्फ SMS टिक कर रहने दीजिएगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SMS को ही टिक रहा, क्योंकि मेरा दोनों ऐड नहीं है, इसलिए सिर्फ SMS करने के बाद जनरेट OTP कर देंगे। ये मेरा OTP आ चुका है मेरे पास, तो हम उस OTP को यहाँ देने के बाद वैलिडेट OTP यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे वैलिडेट OTP करने के बाद देखिए यहाँ पे ईमेल वेरीफाई हो गया है, मोबाइल वेरीफाई हो गया, और TEC नंबर, ये भी सर्टिफिकेट जो है TEC सर्टिफिकेट वो भी वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ एप्लीकेंट का जो इमेज है वो आपको यहाँ पे 20 KB, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट का फोटो लगाइएगा वो 20 KB, आप 20 KB कोई भी फोटो कैसे लीजिएगा। देखिएगा मेरा भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें MB से KB किस तरीके से कोई भी आप फोटो को कर सकते हैं उसमें दिया हुआ है। ठीक है फिर एक एप्स, एंड्रॉयड एप्स, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। तो ये आप देखिए, ये मेरा यहाँ पे एप्लीकेंट फोटो हो चुका है। क्यूसिक नेम जो है वो आप दुकान का यहाँ पे नेम दे सकते हैं, नाम यहाँ पे दे सकते हैं। नाम देने के बाद ये नाम हो चुका है, नाम देने यहाँ पे स्ट्रीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एड्रेस है वो एड्रेस वहाँ पे देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट का नाम देने के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लोकल अर्बन बॉडी जो है
वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी, वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वो नाम मेंशन कर देने के बाद में यहाँ पे जो है वार्ड, आपका वार्ड क्या है वो वार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। वार्ड नंबर मेंशन करने के बाद पिन कोड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो यहाँ पिन कोड आपको सबमिट करना है। पिन कोड सबमिट करने के बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखने के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ आप लिखिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी है आपका, वो पुलिस स्टेशन का यहाँ पे नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद ये यहाँ पे पैन का टाइप यूज करना है आपका, इंडिविजुअल है कंपनी है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे देना है। वो पैन नंबर देने के बाद यहाँ आप जैसे ही पैन नंबर दीजिएगा अपना पूरा यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। ये वेरीफाई होने के बाद यहाँ आपका नाम जो है वो मैच करता है कि सही है कि नहीं, और आपका जेन्युइन पैन नंबर है या नहीं। वो वेरीफाई हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली, नेम मैच 97%। ये आपका पैन का डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बैंक डिटेल्स देना है, बैंक आपका सेविंग है, करंट है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड हो जाने के बाद ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच का नाम वो दे देना है। ब्रांच का कांटेक्ट, यहाँ अकाउंट नंबर, आप यहाँ जब सबमिट कीजिएगा अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ कैंसिल चेक बता रहा है, और देखिएगा कैंसिल चेक वो भी कितना, 10 KB से लेकर 80 KB के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चेक लेना है, चेक, प्लेन चेक और बैंक का चेक, और उस पर कैंसिल लिख देना है। कैंसिल देने के बाद उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन कर लेने के बाद यहाँ पे जो है वो आपको अपलोड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप यहाँ आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, तो हम यहाँ आधार कार्ड यहाँ सबमिट करते हैं। आधार कार्ड करने के बाद ये भी देखिए 10 KB से लेकर 80 KB के बीच का फाइल जो है वो JPG या PNG फाइल टाइप होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे आपको उसी तरीके से स्कैन करके रख लेना होगा और यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको टिक करने के लिए नहीं है। अब हम जाके सबमिट करते हैं। यहाँ पे ये मेरा सबमिट किया है, ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली वहां देखा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका CSE वैली एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यहाँ आपका, यहाँ पे क्या करेंगे सारा चीज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे टाइप करेंगे CSE अप्लाई स्टेटस। देखिए मेरा पहले से टाइप है, तो यहाँ पे आप CSE अप्लाई स्टेटस जो है स्टेटस जानकारी करने के लिए वो टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए उसका register.cse.government एप्लीकेशन स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा देर वेट करेंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो आपको वहाँ पे रेफरेंस नंबर मिला है, उस रेफरेंस नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा आपके पास में है उस कैप्चा को आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपका स्टेटस जो है यहाँ पे शो कर देगा। लॉकडाउन का टाइमिंग जो है वो 60 डेज मैक्सिमम आपका, ये कंप्लीट होने में आपको यूजर एंड आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलने में ये आपका 60 डेज टाइम लेता है। तो आप वेट करेंगे 60 डेज, विद इन 60 डेज ये आपका कंप्लीट हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, यू विल रिसीव द अपडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड मेल ईमेल एड्रेस वंस योर एप्लीकेशन इज क्वालिटी चेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको आपका यूज़र है पासवर्ड मेल के ज़रिए मिल जाता है, और हो सकता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है।